सो गाइस एजेंट 26 ट्वेंटी सिक्स का ट्रेलर आ चुका है एंड मैं थोड़ा सा लेट हूँ बट भाई अब थोड़े टाइम बाद हमें उसके कुछ वॉसलैंड देखने को मिले हैं एंड कुछ लोर्स देखने को मिले हैं सो so, आज के वीडियो में भाई हम पूरा ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाले हैं एंड वो वॉसलैंड जो हमें देखने को मिली हैं उनको भी हम भाई देखने वाले कि क्या कैसा है सो so, आज जो चलते हैं वीडियो में बिना कोई बकवास के सो so, ये तो पक्का है कि ये ट्वेंटी सिक्सटी एजेंट है क्योंकि हमें कोई इन्फो नहीं दिया गया था कि ये एजेंट एट है मतलब एट एजेंट जो कि गायब अगर आपको पता हो तो एंड शायद से वाइजी लास्ट और सिक्स आरडी वैरा जो कि भाग गया था एंड ये मैं उसके कपड़ों को देख के बता रहा हूँ एंड हाँ ये तो पक्का है कि वो एक रेडियंट है उसके पास पावर जैसे कि वाइन्स को मैनिपुलेट करना और भी कई सी पावर्स है एंड उसके फेस पे हमें एक मास्क देखने को मिलता है जो कि किसी एनिमल की तरह लग रहा है जैसे कि कोई पैंथर या फिर कोई ऐसा टाइगर जैसा एनिमल एंड वो भाई उसके पीछे कुछ पाइप्स लगे हुए हैं जो कि कनेक्टेड है जैसे कि वाइपर का मास्क था एंड भाई ये कहना मुश्किल है कि ये ह्यूमन है या फिर आडेवर अगर ये एक आडेवर निकला तो भाई ये तो और मुश्किल कर देगा एक आडेवर को पहचानना कि कैसे पहचान सकते हैं आडेवर को हम ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जेट चेम्बर यूरो और ओमेन वॉइस को पकड़ने जा रहे होते हैं एंड हमेशा की तरह भाई सेज वहाँ पे इन्हें गाइड कर रही होती है जैसे कि वो हर बार करती है एंड जैसी भाई सेज गाइड करते करते कहती है कि ये जो वॉयस है वो एक खतरनाक एजेंट है एंड एक मॉन्स्टर है जैसी भाई वो मॉन्स्टर कहती है वैसी ओमेन को भाई झटका सा लगता है वो भाई ये चीज सुन के एकदम से रिएक्ट करता है जैसी सेज वॉइस को मॉन्स्टर कहती है एंड हमें ये भी पता है कि ओमेन खुद को मॉन्स्टर जैसा देखता है जब से वाइपर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं तब से एंड इसे लगता है कि भाई वाइज भी उसी की तरह है जो कि है तो एक ह्यूमन बट भाई उसको पब्लिक मॉन्स्टर मानती है एंड हमने भाई पहले भी देखा है कि ओमन और वाइज का कुछ तो है भाई ये लोग एक दूसरे को जानते हैं सो so, ये चीज़ भी हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं की गई है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है बट या भाई ओवन ये चीज़ सुनते एकदम से शॉक में आता है मतलब एकदम से रिएक्ट करता है ना भाई हम ट्रेलर के बीच में ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं हम वॉइस का ये इन्फो पूरा मिलता है कि उसकी कैसे एबिलिटीज है एंड एंड भाई ये लोग कैसे उसको पकड़ने जाते हैं एंड लास्ट में हम देखते कि भाई वॉइस का जो मास्क है उस कि माँस से कुछ गैस बाहर आ रही होती है एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि देखो हो सकता है ये उसको पावर देती हो या फिर हो सकता है वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करते हो या फिर कोई टॉक्सिक गैस हो अब देखो मैंने आप भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये हमें ये नहीं पता कि ये पूरी तरीके से आर्डे वो ह्यूमन है सो so, हो सकता है कि एक आड़े वो रैंड उसको ब्रीथ करने के लिए कुछ आ, अलग सा गैस लगता हो ना no, जब वॉइस ने सबको पकड़ लिया था शिमर, जेट और यूरू को अल्ट करके तब भाई ओमेन एक तगड़ी वाली एंट्री देके से बात करने के लिए कहते हैं एंड भाई वो सीन अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सीन था भाई क्या ही एंट्री देता है वोमेन एंड फिर वॉइस से कहता है कि भाई आ जाओ बात करते हैं एंड वॉइस भी भाई चुपचाप मान जाती है वो घर नीचे कर देती है एंड भाई ये लोग एकदम शांति से रहते हैं पीसफुल ऐसा लगता है भाई ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं एंड दे नो कि ये लोग एक दूसरे को नहीं मारने वाले हैं एंड इससे भाई एक और चीज़ लगती है जैसे कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं लाइक दे नो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ईच अदर अब वैसे ही ओमेन ने अपनी मेमोरीज लॉस कर दी थी एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद जो कि वाइपर्स ने किए थे एंड हो सकता है कि भाई वॉइस

इसमें वाइज़ ये कि वाइपर और ये साथ में काम कर चुके हैं मतलब इन फील्ड में और वाइपर की फील्ड भाई केमिस्ट है मतलब वो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री करते हैं साइंस वाइंस में सो भाई वाइज़ भी उसी में काम कर चुके हैं एंड हाँ भाई हमने वाइपर एंड इसमें एक सिमिलर चीज देखी है कि ये दोनों ही मास्क लगाते हैं एंड इनका जो भाई गैस वैसा ना वो थोड़ा सा सेम सेम है लाइक like, मैच करते हैं भाई ये दोनों एंड ये चीज तो कंफर्म है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से भाई वो साइन में ये चीज़ कंफर्म कर दी गई थी तो देखते हैं भाई बाकी और क्या क्या है हमें मालूम पड़ता वाला आगे ना ओमेन के साथ भी अच्छी खासी इंटरेक्शन थी बट इतनी ज्यादा मतलब कोई इम्पोर्टेंट सी वॉज नहीं दी थी जैसे कि वाइपर के साथ दी थी कि ये लोग साथ में काम कर चुके हैं बस थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्ट हुआ था जिसमें भाई बीजो इसमें कहती है कि वेलोरेंट के जो किंगडम वाले हैं लाइक ब्रेम मतलब जो लोग आ, वेलोरेंट का किंगडम सिस्टम होल्ड करते संभालते वो लोग इतना पैसा है कि ओमेन को भाई थोड़ा बहुत अच्छे से सूट वूट दे सके ओमेन श्योरली वेलोरेंट हैज द बजट टू रिप्लेस दोस रैग्स हैंगिंग ऑफ यू सो यही तो आज के वीडियो के लिए एंड भाई हमें बहुत कुछ जानने को मिला है एंड और भी मिलेगा वाइज ओमेन और वाइपर के बारे में क्योंकि भाई ये तीनों ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे एक साथ मिलके एंड देखो जैसे जैसे धीरे धीरे के अपडेट आएंगे आ, पैचेस आएंगे हमें वैसे वैसे मालूम पड़ेगा कि इन दोनों का चक्कर क्या है भाई इन दोनों का आपस में क्या है टोटल परफेक्ट मालूम पड़ेगा एंड खास करके ओमेन और वाइज का भाई ये दोनों का कुछ ज्यादा ही है सो so, मिलता हूँ आपको तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय